मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार के बेटे मुदित शेजवार के पार्टी बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि शेजवार भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बीच हमसे फोन पर बातचीत के दौरान भाजपा के युवा नेता मुदित शेजवार ने कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में असंतुष्ट ना माना जाए, मेरी कोई दावेदारी ही नहीं है और मेरी कोई दावेदारी ही नहीं तो पार्टी छोड़कर मैं क्यों जाऊंगा। मैं अगर किसी बात को लेकर नाराज भी हुआ तो परिवार का मामला रहेगा, परिवार से बाहर नहीं जाऊंगा। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मुदित शेजवार को कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने हराया था। अब आगे क्या सियासी उठापटक और चर्चाएं देखने को मिलती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले पर दिनेश यादव राय सेन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से छत्तीस कुमार साय और मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के यहाँ पर भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद यहाँ पर लगातार हलचल यहाँ पर तेज मची हुई है। और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो असंतुष्ट नेता है भाजपा से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रुख है वो कांग्रेस की ओर कर रहे हैं, पार्टी बदलता है उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा लगातार चल रही थी। यहाँ पर कयास लगाया जा रहा था कि सांची विधानसभा से भी मुदित शेजवार यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब इस बात को लेकर हमने हाल ही में अभी तुरंत पहले ही यहाँ पर मुदित शेजवार जी से बात की तो उनका सबसे पहले कहना है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, का नेता हूँ, उसमें पार्टी में रहूंगा और हमारी जो तीन पीढ़ियां हैं वो भाजपा से लगातार जुड़ी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा स्पष्ट रूप से कि हमारे अगर रक्त को हम काटेंगे तो उसमें खून की जगह भाजपा उसमें निकलेगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बड़ा यहाँ पर दिनेश कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया। दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।